हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवसृजित जालमपुरा ग्राम पंचायत के नवीन भवन निर्माण का अतिथियों ने किया शिलान्यास। 35 लाख रुपए की लागत से होगा नवीन भवन का निर्माण। उप तहसील क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत के नवीन भवन का रविवार को शुभ मुहूर्त में अतिथियों ने भूमि पूजन का शिलान्यास किया। जानकारी के अनुसार पंचायती राज चुनाव 2020 से पूर्व राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जीवाना ग्राम पंचायत से दहीवा व जालमपुरा को सम्मिलित कर जालमपुरा को ग्राम पंचायत घोषित किया था। चुनाव के बाद ग्राम पंचायत के संचालन के लिए भवन की व्यवस्था नहीं होने से गांव के सामुदायिक सभा भवन में ही कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद ग्राम पंचायत के नवीन भवन के लिए भूमि आवंटित कर नवीन भवन के लिए 35 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। रविवार को जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, प्रधान जब्बर सिंह तूरा, सरपंच लीला राम चौधरी, जीवाना सरपंच उत्तम सिंह धवेशा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर नींव का शिलान्यास किया। आगंतुक अतिथियों का ग्रामीणों की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए स्वागतम सम्मान किया गया। विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नवीन भवन निर्माण से ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी, साथ ही रिकॉर्ड आदि भी एक जगह उपलब्ध रहेगा। विधायक गर्ग ने सभी को गांव के पास कार्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। पूर्व विधायक मेघवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी तथा जागरूक होकर लाभ उठाने को कहा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य के लिए सहयोग की बात कही। इस दौरान पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री हीरा राम जाखड़, मंडल अध्यक्ष केवदा राम चौधरी, भाजपा मंडल महामंत्री डूंगर सिंह देवड़ा, ईश्वर सिंह खारी, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष तुलसा राम चौधरी, सुरेश वैष्णव, छैल सिंह मेड़तिया, बाबूलाल पीरा राम चौधरी, हाजा राम जाला राम, केरा राम चौधरी सहित ग्रामीण मौजूद थे। अंत में सरपंच प्रतिनिधि एवं पूर्व भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष तलसा राम चौधरी ने सभी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। जागरूक टीवी के लिए जीवाना से रूपाराम चौधरी की रिपोर्ट।